नमस्कार। अभी हाल ही में श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को एक ईडी के द्वारा समन मिला, ईडी के सामने पेश होने का समन मिला। किस मामले में? मनी लॉन्ड्रिंग के मामले। जब किसी देश की विपक्षी पार्टी के प्रमुख को कोई समन जाता है पूछताछ के लिए, तो एक चर्चा का विषय बन जाता है। आखिर यह मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? आखिर कौन से केस में राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी से पूछताछ हो रही है? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है? यह मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? नेशनल हेराल्ड केस ये क्या है? आखिर इसमें कहां इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है? और ईडी क्या है जिस ईडी ने इनको पूछताछ के लिए बुलाया है? तो आज अपन जानेंगे कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है, इंक्वायरी के लिए बुलाया है, और यह मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप इनके ऊपर लगा है। तो यह मनी लॉन्ड्रिंग क्या है इसके बारे में अपन जानेंगे। आइए देखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, इंग्लिश में अगर आप इसका एक वर्ड देखोगे तो लाउंडर नाम का एक वर्ड आएगा इंग्लिश में। अगर इसका आप हिंदी अर्थ देखोगे तो हिंदी अर्थ होगा अवैध को वैध बनाना। तो लाउंडर से बन गया लॉन्ड्रिंग। मनी, मनी का मतलब पैसा, यानी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी मनी पैसे को, अवैध पैसे को वैध बनाना, इसका मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यही है। अगर आप सही तरीके से देखोगे तो अवैध पैसे को वैध बनाना, इसे अपन यूं भी कह सकते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना, मतलब उस मनी का स्रोत पता नहीं लगता कि वो मनी आखिर आई कहां से। जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो वो पता चलता है कि आपने बिजनेस से पैसा कमाया। जैसे आप नौकरी कर रहे हो, जैसे नौकरी से आप 2-3 लाख के इनकम में, तो आपके नौकरी से पैसा आया तो उसका पता है कि वो पैसा वहां से आया। जैसे आप कोई जमीन खरीद फरोख्त कर रहे हो तो आपको जब शो करोगे कि ये जमीन से पैसा आया, कहीं ना कहीं आप किसी चीज से शो करते हो कि मेरा ये पैसा यहां से आया है। लेकिन जब यह शो हो जाता है कि यह पैसा कहां से आया है और आपने इसका क्या स्रोत है और कहां से पैसा कमाया है, अगर इसकी जानकारी अगर आप नहीं दे पाए तो यह चीज मनी लॉन्ड्रिंग में आती है। मतलब आपने कहीं से अवैध रूप से पैसा कमाया है। अवैध रूप से, जैसे कि आपने जुए से पैसा कमाया, जैसे कि आपने जमीन से पैसा कमाया, जैसे उसकी कीमत कम दिखाई पैसा ज्यादा लिया, जैसे आपने किसी कंपनी में फर्जीवाड़ा किया, सेल कंपनी बनाई, वहां से पैसा कमाया, मतलब अवैध रूप से पैसा कमाना जिसका कोई वैध सोर्स न हो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब अगर राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की नेशनल हेराल्ड केस में, और ये मनी लॉन्ड्रिंग कितने प्रकार की होती, कैसे कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है, देखिए आप। अवैध तरीके से पैसे कमाकर बैंक में जमा करना, जैसे आपने कहीं से पैसे कमा लिए, उसका स्रोत नहीं है, उसका कोई गवर्नमेंट का रिकॉर्ड नहीं है कि आपने वो पैसा कमाया और बैंक में जमा किया। विदेश में पैसा ट्रांसफर करना, आपने यहां से पैसा कमाया, कहां से कमाया किसी को पता नहीं, गवर्नमेंट को पता नहीं उसके, न तो उसके ऊपर आपने आयकर दिया और न कुछ किया, इनकम टैक्स वगैरह कहीं शो नहीं किया, वो पैसा आपने किया और विदेश में ट्रांसफर कर दिया। फर्जी कंपनी बनाना, फर्जी कंपनी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो धरातल पर होती नहीं है, कागजों में कंपनी बना देते हैं, उनको शो कर देते हैं, वहां से प्रॉफिट उठा लेते हैं, और जब हकीकत में पता चलता है कि कोई कंपनी है ही नहीं मार्केट में, तो वो भी एक तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग होता है। मकान दुकान की जमीन की कीमत कम दर्शाना, जैसे आपके पास मकान है, दुकान है, मकान, जैसे एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे एक दुकान है और पोश इलाके में और 1 करोड़ में वो दुकान गई है, लेकिन आपने उसकी गवर्नमेंट वैल्यू सिर्फ 30 लाख की बताई है, तो 70 लाख क्या हुए? 70 लाख मनी लॉन्ड्रिंग हुई। क्यों? क्योंकि उसको आपने गवर्नमेंट में शो नहीं किया, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगा, वो एक तरह से अवैध मनी आपके पास आई और उस अवैध मनी को आपने फिर वैध बनाकर मार्केट में वापस चलाया। तो ये होती है मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे कि अभी आपने देखा होगा विजय माल्या 9,000 करोड़ फ्रॉड, बैंक फ्रॉड मामले में वो अभी बाहर है, तो उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। नीरव मोदी 11,000 करोड़ रुपए का उन्होंने फ्रॉड किया है बैंक से, उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है।
तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अभी अभी हाल ही में लेटेस्ट दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा। तो आखिर ये होती है मनी लॉन्ड्रिंग। बस आप इसको ये समझ लीजिए कि आपके पास कोई ब्लैक मनी है, जो मनी आपके पास आई है उसका कोई स्रोत नहीं है और उसको आपने अवैध को वैध बना दिया, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। ब्लैक को व्हाइट करना, ब्लैक मनी को व्हाइट करना, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। अब अपन जानेंगे नेशनल हेराल्ड केस क्या है। आखिर नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ क्यों हो रही है? आखिर इन्होंने इसमें ऐसा क्या किया, ऐसी क्या मनी लॉन्ड्रिंग की जो इनके ऊपर इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है? आखिर इन्होंने कोई पैसे का हेर फेर किया है? आखिर इन्होंने कोई अवैध पैसे को वैध बनाने की कोशिश की है? आखिर ये केस है क्या है? देखते हैं। आइए, नेशनल हेराल्ड केस। अब आप नेशनल हेराल्ड पता ही है, नेशनल हेराल्ड एक तरह का अखबार है। नेशनल हेराल्ड कोई कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अखबार है जो पुराने टाइम में चलता था कांग्रेस सरकार की तरफ से। इस अखबार की स्थापना नेहरू जी ने की थी। इस अखबार की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी 1938 में। इसका मालिकाना हक एजीएल, एजीएल यानी एसोसिएट जनरल लिमिटेड के पास में था। नोट करना, आप समझना इस केस को आप, कि आखिर इस केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की एंट्री कैसे हुई। अखबार की स्थापना नेहरू जी ने की, उस अखबार का मालिक एजीएल यानी एसोसिएट जनरल लिमिटेड था। 1956 में इसे गैर व्यवसायिक कंपनी बना दिया, धारा 25 के कर मुक्त कर दिया। 1956 में इसको एक गैर व्यवसायिक कंपनी बनाया, सेक्शन 25 के अंदर इसको कर मुक्त कर दिया, मतलब इसके ऊपर कोई भी अगर इसके कुछ इनकम हो तो इसको इनकम टैक्स ना देना पड़े। फिर 2008 में कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज हो गया। अब यहां समझना, 2008 में कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज हो गया। पुराने 1938 से यह अखबार चल रहा था, धीरे 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 कर्जा हो गया और 90 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा हो गया। फिर कांग्रेस ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई, गैर व्यावसायिक, और कितने में बनाई, 50 लाख में बनाई। इसमें कुल 6 डायरेक्टर थे, उसमें से 2 राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी थे। इनके पास 76% हिस्सेदारी थी, अदर 4 के पास में 24% हिस्सेदारी थी। यहीं से इनकी एंट्री होती है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने यंग इंडिया को 90 करोड़ दिए, कांग्रेस ने यंग इंडिया कंपनी को 90 करोड़ दिए और इसने एजीएल खरीद ली। जो कंपनी 90 करोड़ घाटे में चल रही थी, एजीएल जो नेशनल हेराल्ड नाम से अखबार निकालती थी, उसकी मालिक एजीएल, उसके 90 करोड़ उसके ऊपर कर्ज था। वो कर्ज किसने चुकाया, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने चुकाया, ये ध्यान रख। और फिर उस एजीएल को उसने खरीद लिया। मामला यहीं से एंटर होता है। स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी राज्यसभा सांसद, 2012 में इन्होंने कोर्ट में एक याचिका लगाई इनके खिलाफ, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और अदर 4 के खिलाफ, कि इन्होंने अवैध तरीके से एजीएल को खरीदा और इसमें इन्होंने पैसे का हेर फेर किया। अब कैसे किया देखिए, इन्होंने कहा कि गलत तरीके से यंग इंडियन ने एजीएल को खरीदा। यंग इंडियन का मकसद बहादुर शाह जफर रोड पर हेराल्ड हाउस को हड़पने की नीयत है। हेराल्ड हाउस दिल्ली के बहादुर शाह जफर रोड पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है और अगर आज उसकी कीमत अगर आप देखते हो ना तो 2000 करोड़ रुपए होती है। तो यहीं से सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं आप 2000 करोड़ कमाना चाहते हो, तो यही तो हुआ मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे का हेर फेर। तो इस बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में याचिका लगाई, कांग्रेस ने 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने के लिए नेशनल हेराल्ड केस में एंट्री की और एजीएल को इन्होंने गलत तरीके से खरीदा। इस कारण से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए। अब अपन देखेंगे ये ईडी क्या है
और ईडी की स्थापना कब हुई? ईडी का अगर हिंदी में नाम देखें तो प्रवर्तन निदेशालय, और अगर इंग्लिश में देखें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। यह वित्त विभाग के, राजस्व विभाग के अंदर आती है, और ईडी का काम यही है मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच करना। जहां जहां मनी लॉन्ड्रिंग की बात आएगी वहां वहां ईडी की एंट्री होगी। ईडी में मुख्य रूप से आईएएस अधिकारी होते हैं और ये जांच करते हैं कि आपने जो पैसा कमाया वो पैसा कैसे कमाया, पैसा आपने अवैध तरीके से कमाकर उसको वैध किया, आखिर आपके पास इतना पैसा कहाँ आया है। इस सारी अगर की जांच करनी हो तो ईडी करती है। विदेश से पैसा कितना ट्रांसफर हुआ, विदेश से पैसा कितना आया, अगर इलीगल आया है तो इसकी भी जाँच ईडी करती है। तो इसी कारण से ईडी ने इस केस में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को समन पेश किया है कि आपको इतनी तारीख वहां पेश होना है।